झरिया पूर्व पार्षद अनूप कुमार साव ने नगर निगम से मजदूरों का जॉब कार्ड कार्यपत्रक बनाकर वितरण किया और साथ ही उन लोगों का डिमांड फॉर्म मांग पत्र भी भरकर निगम में जमा करा दिए। पूर्व पार्षद अनूप कुमार साव ने कहा कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का निरंतर प्रयासरत रहेंगे। अब वो लोग निगम में नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। वितरण कार्यक्रम में निगम के CRP सामुदायिक संसाधन सेविका रजनी देवी मुख्य रूप से उपस्थित थी। लाभुकों में रमेश हाड़ी, राजेंद्र रविदास, सविता देवी, मंजू देवी, रवि बावरी, बाबलू हाड़ी, वेणुका देवी ने लाभ प्राप्त किए और नए आवेदकों में वीना, प्रीति देवी, रेखा देवी, मीना देवी, चंपा देवी, डॉली देवी, शारो देवी, निशा देवी थी। देखिए, आज नगर निगम के द्वारा जो हम लोगों ने पूर्व में लोगों को जॉब कार्ड के लिए कार्य पत्र के लिए आवेदन किया था, आज उन लोगों का बंद करके आ भी गया है। आज वही आज हम लोगों को वितरण करने के लिए यहाँ लोगों को बुलाए हैं और लोगों को वितरण किए हैं और साथ ही साथ लोगों का डिमांड फॉर्म यानी मांग पत्र भी जो है आज फॉर्म भर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द जो है इन लोगों को निगम में जो है अब नौकरी लग जाए और लोग काम पे लग जाएंगे। तो यही आज कार्यक्रम है और साथ ही साथ नए लोगों का भी आवेदन किया गया है जो कि वैसे लोग जो बेरोजगार हैं, मजबूर हैं, लाचार बेबस हैं, वैसे लोग अगर मान लीजिए उसको कहीं नौकरी मिलता है तो निगम के अंदर में अगर उसको नौकरी मिलती है तो काफ़ी उसके लिए बहुत सहयोगी होगा उसके। कितने लोगों को जॉब कार्ड दिया गया? आज हम लोगों ने कुल 11 लोगों को जॉब कार्ड दिया है जिसका बन चुका था और लगभग दर्जनों लोगों को जो है जो वैसे लोग जो इस काम करने के लिए जो इच्छुक है उसको नया आवेदन भी किया गया है। इसमें हम लोगों के बीच मुख्य रूप से संसाधन सेविका रजनी देवी हम लोगों के बीच उपस्थित है। आवेदनकर्ता कितने हैं? आवेदनकर्ता लगभग 13 आवेदन हुआ है क्योंकि में आवेदन तो वही करेंगे जो काम करेंगे और निश्चित रूप से इसमें जो आवेदन करेंगे जॉब कार्ड बनने के बाद उसको काम भी हर हाल में लगेगा।